दोस्तों, हमने नेताओं और देश के दिग्गज बिजनेसमैनों की कारों पर तो बहुत बात कर ली, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनके सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स की, जिनकी कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। तो वीडियो को चलिए बिना देरी किए जल्दी शुरू करते हैं। नंबर एक पर है नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है। इस प्लेन को खासकर पीएम मोदी जी के लिए फॉरेन से मंगाया गया है, जो कि अंदर से किसी भी महल से कम नहीं है। और ये प्लेन 905 किलोमीटर पर आई टॉप स्पीड से उड़ सकता है। इस प्लेन की कीमत 330 करोड़ रुपए है। नंबर दो, विजय रूपानी। ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने 2019 को बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 एयरक्राफ्ट खरीदा था। इसकी कीमत 191 करोड़ रुपए है। इस प्लेन की टॉप स्पीड 870 किलोमीटर पर आर है और इसमें 12 लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर थ्री, मुकेश अम्बानी। भारत की जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अम्बानी के पास एयरबस A319 प्लेन है, जिसकी कीमत 230 करोड़ रुपए है और इसके अंदर किसी भी 5-स्टार होटल की तरह सुविधाएं देखने को मिलती हैं। मुकेश अम्बानी के पास दो और भी प्राइवेट प्लेन्स हैं। नंबर चार, रतन टाटा। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी के पास एक फैल्कन 2000 है। इसमें 16 पैसेंजर एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। इस प्लेन की टॉप स्पीड 880 किलोमीटर पर आर है और इस प्लेन की कीमत 225 करोड़ रुपए है। इन्होंने इस प्लेन को 2010 में खरीदा था। नंबर पाँच, गौतम अडानी। हमारे देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी जी के पास बॉम्बार्डियर चैलेंजर 605 है, जो कि 220 करोड़ रुपए का है। यह प्लेन लग्जरी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर है और इनके पास कुल 3 प्राइवेट जेट्स हैं। दोस्तों, यह था हमारे देश के सबसे पावरफुल लोगों के खुद के प्राइवेट जेट्स। आपको किसका बेस्ट लगा कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक गौतम अडानी और मुकेश अम्बानी जी का कार कलेक्शन नहीं देखा, तो वह भी इन दोनों वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।